इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल एक बात स्मरण कराई थी आपको, अनाधिकृत योग्यता का प्रदर्शन करके जो योग्य बन भी जाएगा तो जीवन भर अयोग्यता के त्रास में जलता रहता है। अनाधिकृत योग्यता को योग्यता नहीं कहते, डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही उच्चतम शिखर पर पहुंचता है जो पारिस्थितिक तंत्र में व्यवस्थित रूप से फिट बैठता है। इसको कहते हैं सिद्धांत नंबर 4, योग्यतम की उत्तरजीविता। कभी भी प्रतिभा का हनन न हो, योग्यता का परीक्षण हो और योग्य व्यक्ति को दायित्व सौंपा जाए तो खतरे कम होते हैं। योग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार कार्य व्यवहार करके मुक्त हो जाता है, उसको 14 घंटे नहीं लगता, 1 घंटे 40 मिनट में सब फाइल निपटा देता है। अयोग्य व्यक्ति को बहुत सारे सचिव रखने पड़ते हैं, कारण उसको तो बोधरेता नहीं है, वो सबसे काम लेता है और सबके काम में केवल हस्ताक्षर करता है। योग्य अब राम जी के सखा हैं, इनके बारे में कुछ कहना शेष नहीं है, लेकिन अपने मित्र की, सखा की, सेवक की भाव जो ले लीजिए, दुख को सुन करके भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी और मेरे सरकार ने दूसरी प्रतिज्ञा ली। सुन सुग्रीव बाली हम रघुवंशी है राम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि बरु वचन वचन न जाई। भगवान कहते ब्रह्मा जी की और शिव जी की शरण में भी जाएंगे तो कोई रख नहीं सकता है, लेकिन प्रभु अपनी कोई गारंटी नहीं देते हैं। यदि वो मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान का भी अजब स्वभाव है। वो अजब स्वभाव है, कहीं भटकिए नहीं, अटकिए नहीं, रमे रहिए। कल्पद गा रहे थे, सुनाते हैं। एक भक्त भगवान के दरबार में गया, इशारा, भगवान ने सेवकों से कहा पूछो कैसे आए, तो भक्त कहता है ढूंढते एक सहारा तेरे भक्तों कपा कर इशारा, ढूंढते ढूंढते एक सहारा
करते यत सारा तेरे भक्तों का पाते दर पे खड़ा हो गया आपके दर पे खड़ा हो गया जीन मिलेगा यहाँ आपके दर पे खड़ा हो गया कहा इतने दरबार हैं कहीं चले जाते। साधक कहता है बेसका ना कोई दर सहारा देख दर इस जहां में हजारों सकाना कोई दर सहारा देख दर इस जहां में हजारों दिल में ही रह गई दिल की हसरत दिल में ही रह गई दिल की हसरत भटकता फिरा मारा दिल में ही रह गई दिल की हसरत पर भटकता फिरा मारा हक दर पे खड़ा हो गया कहता है एक ही दर है ऐसा जहां में खाली जाता न कोई जहां से एक ही दर खाली जाता न कोई जहां से तेरे बंदों ने है बताया तेरे बंदों ने है बताया सबका होता वहां पर गुजारा बंदों ने है बताया सबका होता वहां गुजारा आके दर पे खड़ा हो गया
कहो, अरदास कहो, बोला नहीं। आपके भक्तों ने बताया क्या? तेरा जाना ही काफी वहां है, तेरे बंदों ने यह भी बताया। तेरा जाना ही काफी वहां है, तेरे बंदों ने यह भी बताया। नहीं कहने की कुछ भी जरूरत, नहीं करने की कुछ भी जरूरत। उनको मालूम है हाल सारा, नहीं करने की कुछ भी जरूरत। उनको मालूम है के दर पे खड़ा हो गया हूँ, मिलेगा यहाँ पर। बताओ करना क्या है? भगवान ने पूछा। सुन के सोहरत तेरी आ गया हूँ, आज माने को अपनी भी किस्मत। सुन के सोहरत तेरी आ गया हूँ, जय जयकार सुनकर, आज माने को अपनी भी किस्मत। सुन के सोहरत तेरी आ गया हूँ, आज माने को अपनी भी किस्मत। सुन के सोहरत तेरी आ गया हूँ, आज माने अपनी भी किस्मत। फर्ज पूरा किया मैंने अपना, फर्ज पूरा किया मैंने अपना। फर्ज पूरा करो जो तुम्हारा, फर्ज पूरा किया मैंने अपना। फर्ज पूरा करो जो तुम्हारा, आके दर पे खड़ा हो गया हूँ, मिले यहाँ। क्या किया? किया क्या? भजन पूजन जब तक किया है, बोला नहीं। मैंने माना कि मुझ में कसर है, तेरा वादा भी क्या बेअसर है। मैंने माना कि मुझ में कसर है, तेरा वादा भी क्या असर है। उसका थोड़ा सा भी ख्याल करते, उसका थोड़ा सा भी ख्याल करके। एक कश्ती को मिलता किनारा, थोड़ा सभी ख्याल करके। एक कश्ती को मिलता किनारा,
के दर पे खड़ा हो गया हूँ, मिलेगा यहाँ कर है इनकार तो है गुजारिश अपने दर सा कोई दर बता दो, कर है इनकार तो है गुजारिश अपने दर सा कोई दर बता दो, कर है इनकार तो है गुजारिश अपनी दर सा कोई दर बता दो, ताकि परताप को फिर वहां से, ताकि परताप को फिर वहां से जाना पड़े ना दोबारा, ताकि परताप को फिर वहां से जाना पड़े ना दोबारा, खोजते एक सहारा तेरे बंदों का पाकर इशारा, आके दर पे खड़ा हो गया भले बुले सो आपके। स्वभाव किसी का बदला नहीं जा सकता है, स्वभाव जन्माद्य होता है, संस्कार सत्य। किसी का स्वभाव आप नहीं बदल सकते, न सज्जन का न खल का, न पुरुष का न स्त्री का। अरे महाराज, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।